बीजेपी के साथ पवार ने किया गठबंधन, महाराष्ट्र में टूटा एमवीए। कांग्रेस बोली एनसीपी ने एमवीए के सिद्धांतों से की बगावत। विपक्षी गठबंधन को झटके पर झटके दे रहे हैं शरद पवार। महाराष्ट्र की सियासत में नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। एक सप्ताह से जो संकेत मिल रहे हैं वो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों के लिए ही मुश्किल बढ़ाने वाले लग रहे हैं, तो बीजेपी को बड़ी राहत मिलते दिख रही है। ये संकेत एनसीपी की ओर से आ रहे हैं। सबसे पहले एनसीपी ने विपक्ष के सभी आरोपों की हवा निकाल दी। सावरकर से शुरू होकर पीएम मोदी की डिग्री तक जो भी मुद्दा विपक्ष ने उठाया, एनसीपी ने उसकी हवा निकाल दी। सबसे पहले सावरकर को महान बताते हुए कांग्रेस को उनके खिलाफ टिप्पणी न करने की हिदायत दी। फिर अडानी पर जेपीसी मांग की हवा ये कहते हुए निकाल दी कि जेपीसी से तो फैसला सरकार के पक्ष में ही आएगा। विपक्ष ने ईवीएम को मुद्दा बनाया तो पवार ने कह दिया कि इससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। कई राज्यों में विपक्ष की सरकार है और ये सरकार ईवीएम से हुए चुनाव में ही बनी हुई है। और इसके बाद पीएम की डिग्री विवाद को लेकर केजरीवाल ने कैंपेन को बेकार बता दिया। कहा डिग्री का राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। पवार के बयान बीजेपी को राहत दे रहे थे तो विपक्ष की मुसीबत बढ़ा रहे थे, लेकिन अब एनसीपी ने जो किया है उससे महाराष्ट्र में पूरा का पूरा एमवीए ही मुश्किल में फंस गया है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अब एमवीए रहा ही नहीं है, एनसीपी एमवीए से अलग हो गई है और वो बीजेपी के गठबंधन में शामिल हो गई है। महाराष्ट्र में इस समय बाजार समिति यानी APAMC के चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में एनसीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। आधी सीटों पर दोनों के बीच समझौता हो चुका है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में बाजार समिति के चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन चुनाव से ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव का रुख साफ होता है। राज्य में 1963 में APAMC यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के तहत बाजार समिति का गठन किया गया था, जिससे किसानों को उनकी पैदावार का उचित दाम मिल सके। इसके अलावा बाजार समिति में फसल आने के बाद उसे सही तरीके से तौला भी जाए, जिससे किसानों के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। यह बाजार की समिति की जिम्मेदारी होती है कि वो आने वाले की फसल को बेचने का उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए, साथ ही किसानों को रहने के लिए व्यवस्था करे। साफ है इससे ग्रामीण क्षेत्र के वोटरों को साधने में मदद मिलती है, लेकिन इस समिति के चुनाव में एनसीपी बीजेपी के साथ हो गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर चिंता जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि ये बात मेरी जानकारी में आई है कि एनसीपी ने बाजार समिति चुनाव में हमारे विरोधी दल बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने हमें इस बारे में बताया है, हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं। ये मामला हकीकत में गंभीर है। जिस तरह से पवार ने जेपीसी के मुद्दे पर अलग राय रखी है वो एक तरह से एमवीए के सिद्धांतों से बगावत। और अगर बाजार समिति के चुनाव में वो भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो फिर इस पर विचार करना होगा। साफ है पवार के फैसले ने पूरे एमवीए में खलबली मचा दी है। जिस तरह से पवार कुछ दिनों से बीजेपी करीब जा रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले समय में जितनी परेशानी कांग्रेस को हो सकती है उससे ज्यादा मुश्किल उद्धव ठाकरे के सामने आती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस और उद्धव के बीच समझौता पवार के कारण ही चल रहा है। पवार अगर एमवीए से निकले तो पूरा एमवीए ही समाप्त हो जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पवार के बीजेपी के खेमे में आने के बाद पार्टी में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। बीजेपी की ओर से भी कुछ दिनों से इसी तरह के संकेत मिल रहे थे। पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया था कि वो एनसीपी के साथ तो जा सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ अब कोई समझौता नहीं होगा। इस समय बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच रिश्ते बेहद खराब चल रहे हैं।